अब यहाँ पे हम कुछ कॉलेजेस के कट ऑफ्स देखते हैं, मतलब कि यहाँ पे जो कॉलेज है वो है इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी माटुंगा मुंबई का, जो कि टॉप। हेलो एवरीवन, दिस इज़ इजी कंसेप्ट वाला, जो कि हमारा प्रीवियस वीडियो था, टॉप 10 फार्मेसी कॉलेजेस थ्रू MST CET स्कोर। तो उसके बाद एक इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ, वो है बी फार्मेसी के कट ऑफ्स। तो कट ऑफ पे ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कट ऑफ जो होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं एडमिशन प्रोसेस में, क्योंकि आपको जो एक स्पेसिफिक कॉलेज है वो मिल सकता है या फिर नहीं, ये किस पर डिसाइड होता है। तो कट ऑफ जो पिछले साल के होते हैं वो देखकर उसका अंदाज़ा लेकर आपको पता चलता है कि वो कॉलेज मुझे लगने वाला है या फिर नहीं। तो MST CET 2020 की जो एडमिशन प्रोसेस होगी उसमें आपको MST CET 2019 का जो कट ऑफ्स थे उसका आपको यहाँ पे सपोर्ट लेना होगा, और वैसे ही मतलब वैसे ही करते हैं हम, पिछले साल के कट ऑफ्स देखते हैं। तो इस वीडियो में हमने बात की है कि MST CET 2019 के जो कट ऑफ्स थे फॉर बी फार्मेसी के, वो जो PDF है वो भी आपको अवेलेबल करके देने वाला हूँ, वो कहाँ पर मिलेंगे वो आगे बता रहा हूँ। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि जो कट ऑफ्स होते हैं वो किस प्रकार से रीड किए जाते हैं, ये इसलिए बोल रहा हूँ कि शायद आपने जो CET के कट ऑफ्स हैं वो शायद देखे होंगे। तो वहाँ पे जो बहुत सारे कट ऑफ्स दिए होते हैं, मतलब कि एक स्पेसिफिक कॉलेज है तो उसके लिए बहुत सारा कट ऑफ दिया होता है, वहाँ पर रिजर्वेशंस का क्राइटेरिया लगाया होता है, जनरल कोटा, लेडीज़ कोटा, होम यूनिवर्सिटी, अदर देन होम यूनिवर्सिटी, ऐसा बहुत कुछ वहाँ पर होता है। तो वो भी मैंने इस वीडियो से आपके लिए अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको कट ऑफ समझ में आ जाएगा, तो ऑफकोर्स आपको एडमिशन प्रोसेस में अच्छे से आप टिक पाओगे और एडमिशन प्रोसेस में अच्छे से सारी प्रोसेस कर दोगे तो अच्छा कॉलेज भी आपको मिल सकता है। तो इस वीडियो में जो पहला पॉइंट यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं यहाँ पे सब आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, मतलब कि ऑल अबाउट कट ऑफ एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो ऑफकोर्स आपको मालूम ही होगा कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उन्होंने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फॉर इंजीनियरिंग, फॉर बी फार्मेसी एंड जो एक्स्ट्रा जो कुछ भी कोर्सेस हैं उनके लिए स्पेसिफिक जो है वो क्राइटेरिया कम कर दिया है। फॉर बी फार्मेसी ये क्राइटेरिया ऐसे होने वाला है, 45% फॉर ओपन कैटेगरी मतलब कि जनरल एंड रिजर्व कैटेगरी के लिए 40%, मतलब कि 135 मार्क्स एंड 120 मार्क्स। ओके, तो यहाँ पर हम MST CET 2019 के कट ऑफ्स के देखने वाले हैं, और ऑफकोर्स हमें वो ही देखने पड़ेंगे क्योंकि आपकी एडमिशन प्रोसेस है वो 2020 की है। तो एडमिशन प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर आपको जानकारी दे देता हूँ। तो आपके अभी जब मतलब कि CET के एग्ज़ाम कंप्लीट होती है तो उसके बाद एडमिशन प्रोसेस के लिए एप्लीकेशन फॉर्म निकलते हैं ये, और ये एप्लीकेशन प्रोसेस खुद CET सेल ही कंडक्ट करता है। और ये एडमिशन प्रोसेस में आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है अलग से, और वो एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आप एडमिशन प्रोसेस में एनरोल हो जाते हैं। एडमिशन प्रोसेस में 3 राउंड होते हैं, 1, 2, 3। हर एक राउंड के लिए आपको एक ऑप्शन फॉर्म भरना होता है। ऑप्शन फॉर्म मतलब आपको एक लिस्ट बनानी पड़ती है कॉलेजेस की, और आपका जैसा स्कोर होगा उसके अनुसार उस लिस्ट में से आपको कॉलेज अलॉट होता है। तो ऐसी कुछ ही एडमिशन प्रोसेस होती है। जब एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी तब मैं आपके साथ रहूँगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, पूरी एडमिशन प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगी। मैं वहाँ पर भी आपको गाइडेंस करने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी आपको प्रेस करना है। तो यहाँ पर उसके बाद इम्पोर्टेंट बात आती है कि हाउ टू रीड कट ऑफ। तो सबसे पहले एक बात जान लीजिए कि स्टार्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं कट ऑफ में, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि जी लिखा है, मतलब कि जी है ओपन है, और उसके बाद एच है, मतलब कि यहाँ पे जो जी है वो जनरल मीनिंग होता है उसका, और ओपन है वो ओपन मतलब कि वो कैटेगरी है, और एच है उसका मतलब है होम यूनिवर्सिटी। लेडीज़ एक कोटा होता है उसके लिए एल है, एल मतलब लेडीज़, और जो एंड में कैरेक्टर्स आप देख सकते हो वो है होम, होम मतलब कि होम यूनिवर्सिटी जिसके लिए एच उन्होंने दिया है, ओ मतलब कि अदर देन होम यूनिवर्सिटी, एंड एस मतलब कि स्टेट लेवल। आप जब ये कट ऑफ्स आप देखोगे PDF में तो आपको सारी जगह ऐसे ही एब्रिवेशंस दिखाई देंगे, तो ये आपको समझ में आना चाहिए तो ही आप वो जो कट ऑफ है वो अच्छे से रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात आती है कि जो रिजर्वेशंस क्राइटेरिया होते हैं वो आपको समझ में आना चाहिए। तो जनरल होता है, और जनरल में बॉयज़ भी आते हैं और गर्ल्स भी आते हैं,
और फिर जनरल कैटेगरी में ओपन कैटेगरी एंड जो रिजर्व कैटेगरी, रिजर्व कैटेगरी मतलब जो एससी एसटी ओबीसी एक्सेट्रा वो कैटेगरीज। और यहाँ पे जो सेकंड आप देख रहे हो लेडीज़ कैटेगरी, तो लेडीज़ में सिर्फ लेडीज़ आती है, मतलब कि जो फीमेल कैंडिडेट्स है वो आती है। मतलब कि आपको एग्जाम्पल देकर बताता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर एल ओपन और एच लिखा है, मतलब कि लेडीज़ कोटा में ओपन कैटेगरी में और होम यूनिवर्सिटी में, ओके इस वैसा उसका मतलब होता है। और एक एग्जांपल आपको देने जाऊँ तो इस कॉलेज के लिए जो कट ऑफ है उसमें आप देख सकते हो कि जी ओपन एच है, उसका मतलब क्या होता है, जनरल कैटेगरी में ओपन और ओपन में होम यूनिवर्सिटी, मतलब कि होम यूनिवर्सिटी है, उस होम यूनिवर्सिटी में जनरल कैटेगरी है और जनरल कैटेगरी में भी ओपन कैटेगरी है, ऐसा है, ओके। तो थोड़ा सा आगे जाके हम देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ जी ओ बी सी एच, मतलब कि इसका मतलब होता है होम यूनिवर्सिटी में जनरल कैटेगरी में ओबीसी कैटेगरी, ऐसा उसका मतलब होता है। वो सिंपल से सभी कैटेगरीज के लिए ऐसे ही लागू होता है। और ये होम यूनिवर्सिटी अदर देन होम यूनिवर्सिटी और जो स्टेट लेवल है ये क्या है, मतलब कि समझ लीजिए पुणे यूनिवर्सिटी हो गई, मुंबई यूनिवर्सिटी हो गई और जो अदर यूनिवर्सिटीज़ है महाराष्ट्र में, तो उस उन यूनिवर्सिटी का जितना कुछ एरिया है, जितना कुछ उनका कार्य क्षेत्र है, मतलब कि वो यूनिवर्सिटी में जितने कुछ कॉलेजेस आते हैं तो वहाँ का स्टूडेंट के लिए वो बन जाएगी होम यूनिवर्सिटी। मतलब कोई एक पुणे का स्टूडेंट है तो उसकी ओन होम यूनिवर्सिटी हो जाएगी पुणे यूनिवर्सिटी। तो समझ लीजिए यहाँ पर अदर देन पुणे यूनिवर्सिटी के बाहर का कोई कैंडिडेट अप्लाई करता है पुणे यूनिवर्सिटी के कॉलेज के लिए तो वो स्टूडेंट कहा जाएगा अदर देन होम यूनिवर्सिटी, ओके। तो इसलिए यहाँ पर देख सकते हैं नीचे जाके अनदर कट ऑफ, यहाँ पे आप देख सकते हो अदर देन होम यूनिवर्सिटी कट ऑफ, ओके। तो ये अलग सा कट ऑफ होता है, ये आपको समझ में आया होगा। और एक तीसरा होता है स्टेट लेवल, मतलब कि एक स्टेट लेवल पे भी एक रैंकिंग निकल के आती है तो वो एक अलग सा भी कट ऑफ बन जाता है। तो ओवरऑल बात यही है कि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा कट ऑफ लग सकता है, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पे नॉलेज लगा के आपको ये समझ में आ सकता है, इतना कुछ मुश्किल नहीं है। तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा फिर भी तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, मैं आपको ट्राई करूँगा कि आपको आंसर करूँ। तो उसके बाद हम आगे जाएंगे तो हम यहाँ पर जो कॉलेज स्टेटस है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब कि गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, अनएडेड कॉलेज होते हैं, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट होता है, डीमेड यूनिवर्सिटी होती है और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी होती है, मतलब कि सिंधी गुजराती ऐसे जो होती है वो, और गवर्नमेंट एडेड कॉलेज, मतलब कि समझ लीजिए ये हमने कॉलेज लिया और उसका हम यहाँ पे कट ऑफ देख सकते हैं, उस कॉलेज का यहाँ पे कोड होता है और यहाँ पे स्टेटस होता है, मतलब कि वो कॉलेज है वो किस कैटेगरी में आता है वो भी वहाँ पे आप देख सकते हैं। मतलब कि आप यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मतलब कि आईसीटी देखोगे तो यहाँ पे वो डीमेड यूनिवर्सिटी है। और उसके बाद यहाँ पर हम गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ अमरावती, मतलब कि गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी अमरावती वो देखेंगे तो वहाँ पर वो गवर्नमेंट कॉलेज है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कट ऑफ देखते वक्त। तो उसके बाद हम देखेंगे कि रैंक एंड परसेंटाइल, ओके। तो रैंक एंड परसेंटाइल क्या होता है कि आपके मतलब कि 2019 से परसेंटाइल सिस्टम आ चुकी है। तो परसेंटाइल सिस्टम होती क्या है, कई स्टूडेंट्स को वो समझ में नहीं आती, सिंपल से आपको बता देता हूँ कि समझ लीजिए आपको 90% मिले हैं तो उसका मतलब ये होता है कि 90% स्टूडेंट्स आपके पीछे है और 10% स्टूडेंट्स आपके ऊपर है, तो यही उसका एक सिंपल सा मीनिंग होता है। और समझ लीजिए एक 100% वाला स्टूडेंट है तो 100% मतलब कि क्या, 100% स्टूडेंट उसके पीछे है और उसके ऊपर कोई नहीं है, वो ही पहला है, ऐसा उसका सिंपल सा मीनिंग होता है। तो परसेंटाइल का स्कोर कैसे कैलकुलेट करते हैं उस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो नेक्स्ट वीडियोस में आ जाएगी। और इस पर रैंक क्या होता है कि एडमिशन प्रोसेस के लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है, वो एप्लीकेशन फॉर्म आप जब भरते हो तो
उस भरने वो एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद जितने भी स्टूडेंट्स ने उस एप्लीकेशन प्रोसेस में रजिस्टर किया है तो उन सभी स्टूडेंट्स के स्कोर देखते हुए उन सबको रैंक दिया जाता है। मतलब कि आपका जितना भी रैंक स्कोर होगा एमएसटी सीटी का उसके अनुसार आपको एक रैंक मिलेगा। तो मतलब कि हम कट ऑफ में भी देख सकते हैं यहाँ पर परसेंटाइल है और परसेंटाइल के ऊपर रैंक है, तो हम परसेंटाइल से भी कट ऑफ देख सकते हैं और जो परसेंटाइल रैंक है दोनों से देख सकते हैं। ये सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे हम कुछ कॉलेजेस के कट ऑफ्स देखते हैं। मतलब कि यहाँ पे जो कॉलेज है वो है इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी माटुंगा मुंबई का, जो कि टॉप फर्स्ट कॉलेज है। मतलब कि हमने जो वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने बताया था। तो इस कॉलेज का हम कट ऑफ देखेंगे तो ये सभी स्टेट लेवल के कट ऑफ है। यहाँ पर होम यूनिवर्सिटी अदर देन होम यूनिवर्सिटी ऐसा क्राइटेरिया नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जी ओपन एस, इसका मतलब होता है कि स्टेट लेवल में जनरल कैटेगरी में ओपन, तो उसके बाद जो है जी एस सी एस, मतलब कि स्टेट लेवल में एस जनरल कैटेगरी में एस सी कैटेगरी, राइट। तो उसके बाद है जी एस टी एस, मतलब कि स्टेट लेवल में जनरल कैटेगरी में एस टी कैटेगरी हो, ओके। तो उसके बाद थोड़ा सा आगे जाएंगे तो यहाँ पे लेडीज़ क्राइटेरिया भी है, मतलब कि एल ओपन एस, इसका मतलब क्या होता है, स्टेट लेवल में लेडीज़ कैटेगरी में ओपन कैटेगरी। एल एस सी एस, मतलब कि स्टेट लेवल पे लेडीज़ कैटेगरी में एस सी कैटेगरी, और ई डब्ल्यू एस भी यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हम पूना कॉलेज ऑफ फार्मेसी अराउंड बने पुणे का कट ऑफ देखते हैं। इसका कॉलेज इस कॉलेज का स्टेटस है गवर्नमेंट एडेड है। तो यहाँ पर आप तीनों जो कैटेगरी है वो देख सकते हो, होम यूनिवर्सिटी अदर देन होम यूनिवर्सिटी एंड स्टेट लेवल। तो होम यूनिवर्सिटी का कट ऑफ यहाँ पे हम देखेंगे तो जी ओपन एच, मतलब कि होम यूनिवर्सिटी में जनरल कैटेगरी में ओपन, और उसके आगे ही जी एस सी एच, मतलब कि होम यूनिवर्सिटी में जनरल कैटेगरी में एस सी। तो थोड़ा आगे जाएंगे तो एल ओपन एच, मतलब कि होम यूनिवर्सिटी में लेडीज़ कैटेगरी में ओपन, और उसके बाद ही जो अदर कैटेगरीज है उनके लिए भी सेम वैसा ही है। मतलब कि एल एस सी एच, उसका मतलब होम यूनिवर्सिटी में लेडीज़ कैटेगरी में एस सी। तो इस प्रकार से ये जो कट ऑफ है वो रीड किया जाता है। और नीचे हम देखेंगे तो अदर देन होम यूनिवर्सिटी भी है, मतलब कि यहाँ पर जी ओपन ओ, मतलब कि अदर देन होम यूनिवर्सिटी में जनरल कैटेगरी में ओपन, और जो आगे का है वो भी सेम है। और यहाँ पे एक बात लिखी है कि अदर देन होम यूनिवर्सिटी सीट्स अलोटेड टू अदर देन होम यूनिवर्सिटी कैंडिडेट्स, मतलब कि जो बाहर के स्टूडेंट्स से, मतलब कि उस यूनिवर्सिटी के बाहर के स्टूडेंट्स से उनको दिए हुए सीट्स। और स्टेट लेवल के कट ऑफ भी यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर डी ई एफ ओपन एस, उसका मतलब है डिफेंस में ओपन कैटेगरी स्टेट लेवल पे, और यहाँ पे ई डब्ल्यू एस भी है, ओके। तो लास्ट में बात आती है कि जो ये कट ऑफ्स है, जो कि फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड के कट ऑफ्स है, ये तीनों के कट ऑफ के पीडीएफ आपको कहाँ मिलेंगे, तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है इजी कंसेप्ट वाला का, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर ये सारे कट ऑफ्स में अपलोड करने वाला हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको ये कट ऑफ अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आपको जो भी आपका स्कोर आ रहा होगा वो स्कोर को टैली करके आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, ये आप अकॉर्डिंग टू एम एस टी सी टी 2019 कट ऑफ्स देख कर अंदाज़ा लगा सकते हो। तो इसके रिलेटेड कुछ भी क्यूरी आ रही हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर यहाँ पर ही कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। आगे भी एडमिशन प्रोसेस होने वाली है, उस एडमिशन प्रोसेस में भी मैं आपके साथ में हूँ। तो आपके लिए एक दरख्वास्त है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे इन्फॉर्मेटिव के साथ में। आपके लिए स्टार्ट एंड जस्ट डू इट, वेरी ऑल द बेस्ट।